वहीं पानीपत के लघु सचिवालय में पहुंचे विभागों ने निजी स्कूल संचालक के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान विभागों ने जाति सूचक शब्द कहने और जाति भेदभाव के चलते बच्चों को स्कूल से निकालने के आरोप भी लगाए। साथ ही स्कूल में नौकरी करने वाले बच्चों की मां को भी नौकरी से निकालने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं में SC सर्टिफिकेट लगाने को लेकर शुरू ये विवाद पूरा हुआ था और पिछले महीने से ये विवाद बना हुआ है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते अभिभावकों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। IBL स्कूल प्रशासन इन्होंने 10वीं क्लास के अंदर जब प्री बोर्ड शुरू हुए थे तो अपना के लिए जब एग्जामिनेशन फीस भरते हैं तो एग्जामिनेशन फीस भरने के टाइम पे इन्होंने अपना SC सर्टिफिकेट लगाने की डिमांड करी कि स्कूल प्रशासन से कि भी हमारा SC सर्टिफिकेट के तहत ही हमारा एडमिशन भेज। तो उन्होंने इनको बुलाया और इनकी मिसिज वहीं जॉब करते हैं, उनकी मिसिज को बुलाया गया और मिसिज को बार बार इन्होंने SC सर्टिफिकेट जमा करवाने के बाद भी उन पे विवाद थमा नहीं, एज इट इज रहा और उस विवाद आ गया इनको। प्रिंसिपल मैडम ने भी और दूसरी जो क्लास टीचर हैं, इंचार्ज मैडम हैं, उन सभी टीचर्स ने ये कहा कि आप SC सर्टिफिकेट को ऐसे लेके घूमते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री का लेटर हो। इनको नीचा दिखाने की कोशिश करी गई और सीमा जी के ऊपर इतना दबाव डाला गया कि उन्हें कहा गया कि आप इस्तीफा दें अपने PN के पद से, और इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए। उन्होंने ये कहा था कि हम पेपर नहीं लेने देंगे अगर आप